हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी एग्ज़ाम। ठीक है, इस पर सभी प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी और क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो रिकवर करने वाले हैं, इसको जो करने वाले डिस्कस करने वाले हैं वो है कि 2021 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं 23 जनवरी 2021 ऑल शिफ्ट, इसमें 79 जी के क्वेश्चन हैं। इसमें फर्स्ट शिफ्ट में 40 जी के क्वेश्चन हैं और सेकंड में 39। ठीक है, तो इसमें मैं इसमें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। तो इस वीडियो का टारगेट आपको रखना है 40,000 लाइक का। ठीक है, और हाँ, एक बात आप ज़रूर रखें कि सुबह उठते ही अपना एक गोल को सिलेक्ट करें और पूरा दिन इसको गोल को अचीव करने में लगा दिया करें। ठीक है, तो अगर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की मुग़ल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए किस भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा को जाना जाता है? तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है कि जो कि चांद बीवी थी, 1550 से 1599 से शासन किया था, एक महिला योद्धा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दे सकते हैं आप, अगला क्वेश्चन है सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? जो भीमराव अंबेडकर, जो एक आगरा में यूनिवर्सिटी बनी हुई है भीमराव अंबेडकर के नाम से, वह कहाँ पर, यानी इनके नाम से एक एयरपोर्ट भी है जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आप और भी इसमें दिए गए हैं कि जो कि और भी एयरपोर्ट हैं, यहाँ से यहाँ पर मैंने इनको इसमें मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसको सभी को आपको बताता हूँ तो इसमें वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से आप तीसरा क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा कहाँ पर फहराया था? तो इसका आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में। ये 23, ठीक है, जो 23 को पहली शिफ्ट में जो हुआ था NTPC का एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो उसमें आए हुए थे, इसका ध्यान रहे। चौथा क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि मालवेयर इन कंप्यूटर, क्या होता है ट्रोजन हॉर्स? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसका आंसर आपके सामने है, इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को क्रैक करने के लिए कर सकता है। जो हैकर होते हैं वो आपको पता ही होगा कि हैकर क्या कर सकते हैं, किसी के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ से पाँचवा क्वेश्चन है, अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? तो यहाँ पर दे सकते हैं, इथोपिया का है। किसका नाम है? इथोपिया। इथोपिया को क्या कहते थे? अबिसिनिया। अगला क्वेश्चन है छठवां, SAGA 220 क्या है, यानी SAGA 220, तो इसमें क्या है ये? तो ये क्या है कि सागा इज सुपर कंप्यूटर, ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ये लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर का ये नाम है। इसका अनावरण 2 मई 2011 को डॉक्टर के राधाकृष्ण द्वारा किया गया था। अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने, एकात्मक राज्य यानी यूनिटेड स्टेट में सरकार सभी शासकीय कार्य कर सकता है? पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर पहला सही होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एकात्मक राज्य कर सकती है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन आपके सामने, टेलीफोन लाइन के ज़रिए सबसे तेज इंटरनेट किस विधि से पहुंचाया जाता है? जो टेलीफोन लाइन होती है, सब लोग अभी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा ही आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं वो भी ऑनलाइन है, ये ध्यान रहे।
इसमें क्या है कि डेटा संचार तकनीक को तकनीक जो तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा को संक्षम करती है। संचरण मतलब कि डेटा को ट्रांसफर करना। अगला क्वेश्चन नौवां, पनामा पेपर लीक किस कंपनी से संबंधित है? तो जो पनामा पेपर लीक है वो एक मोनफोनसेका कंपनी से संबंधित है, जो कि 1970 के दशक में ये डॉक्यूमेंट पनामा कानूनी फर्म और कॉरपोरेट सेवा प्रदाता मोसेक फोनसेका द्वारा लीक किए गए थे। यहाँ पर दसवां क्वेश्चन आप देखेंगे, केरल में ओणम पर्व पर किया जाने वाला फेस्टिवल स्पोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल का फेस्टिवल स्पोर्ट कौन सा है। तो यहाँ केरल का जो फेस्टिवल है वो स्पोर्ट है, इसे कहते हैं बोट रेस यानी नाव वाली दौड़। यहाँ ओणम पर्व पर मनाया जाता है जो फेस्टिवल जहाँ लिखा हुआ है आड़ामुला नौका दौड़। आड़ामुला नौका दौड़ भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्य के केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है, जिसमें क्या है कि नावों को दौड़ाया जाता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, साल एंड सागौन जानते होंगे, किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। इसमें और भी दिए गए हैं तो आप इसमें से इनको रीड कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए। इसके बाद वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इसका आनंद मठ से मूल रूप से संस्कृत में की थी। ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम सन 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। इसमें 13वां क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको पढ़ लें, उसके बाद आगे चलें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ से क्या है कि मैं उतना ही आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लॉन्ग में चली जाएगी, जिससे कि कोई देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि 79 क्वेश्चन है, उसके लिए ये थोड़ी नहीं कि 79 को घंटे को लगाओ, ज़्यादा 10-20 मिनट में हो जाए कवर, ठीक है। तो इसका आंसर है फैजपुर में, सिटी इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में है फैजपुर में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, जीवों की कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन करते हैं उसको क्या क्रिया कहती है? तो इसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ 15वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? जो गोवा पुर्तगाली थे ना, उन्होंने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 में, 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। 16वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तथा वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अक्टूबर 2020 जो अभी तक इस संविधान में कितने अनुच्छेद हो चुके हैं? 448, पहले कितने थे? 395, ठीक है। अब इसको क्या है, बढ़ा दिया गया है, 448 अनुच्छेद हो चुके हैं अक्टूबर 2020 तक। अभी आगे और बढ़ोतरी होगी क्योंकि नियम अभी लागू सही तरह से नहीं हो पाया है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कि ऐसे प्राणी जो कई वर्षों तक खोजने के बावजूद भी नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, जैसे आपको पता ही होगा, उसी प्रकार से अगर कोई जानवर खोया जाता है और फिर बाद में नहीं मिलता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, विलुप्त हो गया, पता नहीं क्या हुआ।
यहाँ से 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि ओजोन परत से बढ़ने से, इसका आंसर ए है, ये देख सकते हैं आप ये वाला, प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से। अब प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग करोगे तो पर्यावरण तो प्रदूषण होगा ही, ग्लोबल वार्मिंग से भी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। भारत का सबसे बड़ा विजय स्टैचू कौन सा है? स्टैचू बड़ा होता है, ये है विजय स्तंभा। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसमें क्या है कि इसे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जीत की स्मृति में विजय स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। इसमें 8 साल लगी थी। इसकी हाइट है 37.19 मीटर, 122 फुट। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे कमेंट में बताएं आप। यहाँ पर देख सकते हैं डोड्डा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन 21वां, फीफा 2022 कहाँ पर होगा? जो फीफा है वो 2020 में कहाँ होगा? 22 में कतर में। पहले 2018 में हुआ था, चैंपियंस फ्रांस में हुआ था, सेकंड टाइटल में। अगला क्वेश्चन 22वां, पेट्रोलियम निर्यातक में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज 2019, तो इसमें तेल निर्यात देशों में फर्स्ट सऊदी अरब चल रहा है, और सेकंड रूस, और थर्ड इराक। यहाँ से आप देख लें इसका कैटेगरी। अगला है 23वां क्वेश्चन, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदन नहीं है? मलेशिया। क्या नहीं है? मलेशिया। और सभी जो यहाँ पर देख सकते हैं, चाइना, फ्रांस, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, ये सभी आते हैं स्थायी सदस्य में, लेकिन मलेशिया नहीं आता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप क्वेश्चन कोई छूट रहा है तो कमेंट में बोल दें, मैं उसका आंसर आपको सर्च करके या कहीं से लाकर दूंगा। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? यहाँ पर जो अजंता गुफाएं हैं, जो कि आपको पता ही होगा, मुरल, इसमें भित्त चित्र कला इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरा। ठीक है, टेम्परेरा बोलते हैं ना, ऐसा चित्र जो दीवार पर बनाया गया हो। टेम्परेरा मतलब जो दीवार पर बनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो विक्रम साराभाई हैं, जो केरल में स्थित है। 26 एक नेवल में कितने बाइट होते हैं? ये कंप्यूटर वालों के लिए है, कंप्यूटर जो कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। एक नेवल 4 बाइट के बराबर होती है, 4 बिट्स के बराबर होती है, जैसे हाफ ऑफ बाइट बोलते हैं, यानी आधी बाइट, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। यहाँ पर आप दे सकते हैं 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, इसमें बाइट होती है KB MB और TB PB। अब अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण मतलब जो क्रिया होती है उसके लिए 4 घटक कौन कौन से ज़रूरी हैं। पहला घटक आपको पानी चाहिए, कार्बन, फिर डीऑक्साइड, सनलाइट एंड सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, तभी आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होगी। 28वां क्वेश्चन है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी स्थापना ये दिल्ली में है अभी,
29वां क्वेश्चन दिया गया है कि उपयोगिता यानी यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। जो उपयोगिता यानी यूजर आप और कंप्यूटर के बीच में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम करता है, अगर आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो चलाना भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करना होता है। यहाँ पर आपको 30वां क्वेश्चन मिल जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल योजना पर आधारित थी? तो यहाँ पर द्वितीय थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था कि हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी पहली, तीसरी यह है। इकतीसवां, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में यूपीओ की फुल फॉर्म बताइए। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इन यूपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसको आपको ध्यान में रखना है। 32वां क्वेश्चन आपके सामने, 32वां क्वेश्चन, राजस्थान में फड़वाचन किससे संबंधित है? फड़वाचन मतलब इसे कपड़े के फड़, ये शब्द है फड़, फड़वाचन। तो कपड़े के पर्दे पर लोक देवता के जीवन का चित्रण एंड वाचन होता है। फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। तैतीस, तात्या टोपे किस वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के सेनानायक थे? तो 1857 में जो क्रांति थी उसमें ये संग्राम थे, संग्राम के सेनानायक यानी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे, प्रमुख सेनानायक थे भारत का। अब ये कंप्यूटर वालों के लिए फिर से क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था ना सुपर कंप्यूटर, वो कौन सा था? परम 8000 यानी 8000 इन 1991 में आया था, ये 1991 में आया था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है सीडीसी 6600 डिजाइन बाई सेमर किरे, जो 1964 में बनाया गया था। पहले इंडिया का आया था, जैसे 1951 सॉरी पहले ये तो आया था ना सीडीसी विश्व का। अगला क्वेश्चन 35, यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है स्थूल कोण यूतक दृढ़ यूतक किस प्रकार के यूतक हैं? तो यहाँ पर आंसर इसका होगा स्केली एंड कलेंसमा एंड मैकेनिकल टिशू मतलब यूतक। तो यहाँ पर कुछ इसकी परिभाषा भी देख लें कि स्क्लेरम न कायमा में लिग्निन होता है, इसलिए लिग्निन के बिना सरल यांत्रिक ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 36, 36वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं, यानी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो कौन सी सागरीय घटना होती है? तीनों जब एक ही सीध में आ जाते हैं तो क्या होती है कि स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार, ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 20% उछाल में आ जाती है। ये ज़्यादातर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। 37वां क्वेश्चन है, सॉल्ट रॉक यानी सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोडियम क्लोराइड, जो सबसे पहला मेन फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, उसे NCL बोलते हैं, जो तो आपने पढ़ा ही होगा, इसे हैलाइड भी कहते हैं। इसके बाद 38वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र
इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। तो फर्स्ट है इसका सितार, सहनाई, तबला, सारंगी। तो यहाँ पर दे सकते हैं जो इंडो इस्लामिक का मूल नहीं है, कौन सा नहीं है, सहनाई, सहनाई नहीं है, इसका आंसर सेकंड है। अब दे सकते हैं 39। गुजरात का प्रमुख ऑयल फील्ड साइट कौन सी है, यहाँ पर जो अंकलेश्वर, कौन सी है, अंकलेश्वर ऑयल फील्ड साइट, यहाँ से जो तेल आता है। 40वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है, बनाम केरला राज्य केस, जो संसद के संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोकना चाहिए, ये इसके आधारभूत यानी आधारभूत संरचना पर आधारित है। इसके बाद सेकंड शिफ्ट आती है, सेकंड शिफ्ट आप दे सकते हैं, जैसे पहली शिफ्ट कंप्लीट हुई अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। इसमें जैसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित तैरता हुआ फ्लोटिंग विद्यालय कहाँ पर खोला गया है, स्वदेश निर्मित तैरता हुआ, समझ रहे हो ना, फ्लोटिंग लोकतक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल लोकटिक झील मणिपुर में, जो झील में है, किसमें, झील में, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर, श्रीनगर में डल झील में है। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग वन्य जीव अभयारण्य मणिपुर में है। अब आते हैं आगे, पद्मावत के लेखक कौन हैं, पद्मावत तो आपने पढ़ा ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा क्वेश्चन, चार मीनार के निर्माता कौन थे, इसके निर्माता किसने बनवाया था चार मीनार, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। चौथा क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2021 तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थाई सदस्य बना, 8 बार, कितने बार बना, 8 बार। भारत, भारत है ना, देखो 50 में 51 67 68 72 73 फिर 77 78 84 95 91 92 11 12 21 22। पांचवा है, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है, शक्ति ग्रह कौन सा है, तो कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, इसे पावर प्लांट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, WBC और RBC और प्लेलेट्स किस द्रव में होती है, प्लेलेट्स किस द्रव में होती है, तो प्लाज्मा में होती है, यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है, कितना होता है, 55%। सॉरी, यहाँ से आपको 7वां क्वेश्चन मिल जाता है, नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है, यानी जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं ना, उनके बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, तो नगर पालिका के नगर पंचायत के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है, कितनी है, 21 वर्ष निर्धारित है, और लोकसभा 25 वर्ष, MLA 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, और राज्यपाल एंड राष्ट्रपति 35 वर्ष। 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, निम्न में ऐसे कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है, कौन सा है, TB, कौन सा है, TB, जिसे कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके बारे में देख सकते हैं कि टॉप वाटर, इसमें देख सकते हैं कि रहे, इसकी एक ट्रिक दी गई है यहाँ पे कि खां में पोचाडई,
और रे ही टे छोग। नौवां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए किस ने निमंत्रित किया, तो किसने किया था, राजकुमार शुक्ला। अप्रैल मई 1917 की बात है ये। 2 ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है। जैसे ध्वनि का वेग है ठोस से गैस में जाएगी तो क्या चेंज आता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। अब 11वां क्वेश्चन है इसका, स्वतंत्रता के बाद पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है। स्वतंत्रता के बाद दामोदर नदी पर, जो कब बनी, पहले का अस्तित्व में आई थी 1948 में। अब देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन है इसका, आपको आंसर कमेंट में देना है क्योंकि मैंने इसमें आंसर नहीं दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें बताएंगे, मांस में होता है कि कृषि में होता है कि थर्मल में होता है कि कपड़ा उद्योग में होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमको देना है। और 40,000 लाइक आपको पूरी करनी है। 13वां क्वेश्चन आप दे सकते हैं, वर्तमान में बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त कौन है, तो विक्रम दुर्गईस्वामी। कौन है, विक्रम दुर्गईस्वामी। 14वां क्वेश्चन है कि चासमा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, जो पावर प्लांट कहाँ है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, घूमर बोलते हैं, घूमर कहाँ का नृत्य है, घूमर राजस्थान का नृत्य है। राजस्थान में घूमर, गड़गोर, कालवेरिया, चरी और झूलन लीला, इतने होते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है, तो रेक्टिफायर है। कौन सा है, रेक्टिफायर। 17वां क्वेश्चन है कि सौभाग्य योजना कैसे संबंधित है, सौभाग्य योजना विद्युत कनेक्शन से है, जो प्रधानमंत्री शहर बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना बोलते हैं इसे, जो 25 सितंबर 2017 को दिल्ली में की थी इसका ऐलान। 18वां देखिए, अप्रैल 2019 में ईस्टर पर आतंकी हमला कहां पर हुआ था, श्रीलंका में, ईस्टर पर 19। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी, गुजरात। 21 और भी बांध दिए गए हैं इसमें, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने काफ़ी लिख रखा है आपके लिए। इसमें इतनी मेहनत करता हूँ तो चैनल के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि शेयर करने में कुछ नहीं जाता और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, बटन को दबाना है बस, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा और कुछ नहीं। निर्भय क्रूज मिसाइल की मार्ग क्षमता रेंज कितने KM है, मतलब किलोमीटर है, तो परिचालन सीमा 1000 किलोमीटर, 620 मील बोलते हैं इसे, ये याद रखें क्योंकि NTPC अभी एग्ज़ाम जारी है, ठीक है, उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन ये। 21वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो कहाँ का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, बिहार का कितना है कि 11 से 6, और यहाँ वेस्ट बंगाल 1028, ठीक है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि 11 UD दिन बलवान का शासनकाल बताइए, रीन बोलेंगे इस, 1266 से 1287 तक चला था। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है हाई फाई आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है, देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है जो कि आपके आने लायक है, मोस्ट है,
जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, नेपाली लड़की वंदना ने लॉन्गेस्ट डांसिंग मैराथन बाई एन इंडिविजुअल पर 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? कितना? 126 घंटे वंदना ने, जो वंदना लड़की है नेपाल की, वंदना ने भारत की कला मंडलम हेमलता द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हेमलता ने 2011 में 123 घंटे 15 मिनट तक लगातार नृत्य किया था, है ना। तो अब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसने 126 घंटे किया है। कितना किया है? 126 घंटे। इसका नाम याद रखें, कहाँ की है? नेपाल की वंदना, इसको याद रखें। वंदना तो आप करते ही हो डेली, तो इसको याद कर लें, क्योंकि आ सकता है ये। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? अब ये कंप्यूटर वालों के लिए क्वेश्चन है। मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। मॉडेम शब्द मॉड्यूलर मॉड्यूलेटर के एम ओ डीमोडुलेटर के डी ई एम, ठीक है, से मिलकर बना है। अगर मॉडेम का फुल फॉर्म कोई पूछता है तो मॉडेम मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर दोनों होता है। अब अगला क्वेश्चन 25, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? यहाँ कौन सा कंप्यूटर? सीपी तो होता है, मॉनिटर भी होता है, कीबोर्ड होता है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर नहीं है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी। सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम और रोम। 27, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? एक भी नहीं था, जीरो था, सभी विदेशी थे। किस योजना के तहत तो भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? तो सेतु भारतम जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, उनको बिल्कुल करना है। तो इसके योजना का नाम क्या है? सेतु भारतम। यहाँ पर WHEL यानी किस कैटेगरी की कंपनी है? तो कुल 10 महारत्न कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रो लिमिटेड, ठीक है, यही इसका नाम है, फुल फॉर्म इसकी यही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान कौन सी है, सब प्राइवेट लिमिटेड हैं, ठीक है, तेल कंपनी गैस वगैरह से इसका रिलेशन है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 31वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है संयुक्त एक मोबाइल एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली इंडियन आर्मी ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया? तो इसे DRDO किसने किया था? DRDO भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 32वां क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी 2016 की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 10 मिलियन से अधिक आबादी के साथ कितने मेगा शहर होंगे? तो इसका आंसर कितना है? 7। कितने होंगे? 7 मेगा शहर होंगे। इसके बाद 33वां क्वेश्चन आता है, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। 34वां क्वेश्चन है कि एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण, एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण कौन सा होता है? ओडोमीटर। जो कार जो भी इसमें लगा होता है ना, जो चार पहिए या छः पहिए वाहन होते हैं, उनमें स्पीडोमीटर लगा होता है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो इसके लिए ओडोमीटर होता है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, GPS से ट्रैक हो जाता है, क्योंकि GPS से आप कर सकते हैं,
यहाँ पर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर होता है? 400 किलोमीटर। कितना होता है? 400 किलोमीटर। अगर आपको करंट अफेयर, जीके या मैथ कुछ भी पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में आप देते रहें। मैं इस सेशन को अभी चालू किया हूँ, स्टार्ट चल रहा है, ठीक है? तो सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब से ही आपको, ठीक है, आपका पता लगेगा कौन हो आप। यहाँ से देखिएगा 36वां क्वेश्चन। कौन सा? 36। 36 क्वेश्चन में क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, यह क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है, जो कि ज़्यादातर इसे 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को बोला जाता है, ठीक है? पंपास सावन किसके उदाहरण हैं? ये किसके हैं? घास के। 38 है भुक्ति, भोग, प्रदेश किस साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां हैं? तो गुप्त साम्राज्य की। किसकी हैं? गुप्त साम्राज्य की। 39 में देखिए कि 2019 में न्यूयॉर्क में किस कंपनी ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की? किसने की? उबेर ने। ऊबर कॉप्टर किसने किया था? ऊबर कॉप्टर ने, जो न्यूयॉर्क सिटी है ना उसमें किया था। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा हो तो रीजनिंग में ये देख दिया इसका जो है रेशियो, जैसे बिहू, आसम, तो इसका जो आंसर क्या निकलेगा? केरल। इसको सॉल्व करना है आप यहाँ से, जैसे मैं तो अभी बता दे रहा हूँ इसका आंसर, आपको इसको सॉल्व करना है कि ये सही आंसर है या गलत है, ठीक है? ठीक है गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जैसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे इसके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 40 ये हो चुके हैं और 39 वो पहले किए थे, ठीक है? तो 40 और 39 कितने हुए? 79 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और करंट अफेयर का मैं सुबह 5 बजे इसका सेशन रखता हूँ, और हमको इसमें सभी बट ऐसा है कि इसके चैनल का नाम दूसरा है, लेकिन टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और सभी इसमें, जैसे कि इंस्टा, सही बार आप टेक्निकल मुकेश राज टैक, ठीक है, इसको जो लाल कलर का लोगो आपको मिल जाएगा वहाँ से आप डायरेक्टली उसको फॉलो करें। ट्विटर पर भी और टम्बलर जो भी कुछ एप्लीकेशन है, किसी भी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर इसको आप PDF चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।